मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत हंसी आ रही थी, पर अब एहसास हो रहा है कि आकर आके मुझे कितनी खुशी मिली। पहली बार अपने बच्चे को देखकर और उसके लिए आपकी आंखों में प्यार देखकर। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया मेरी है, सारी खुशियां मेरी है। गीत, मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं और ये सारी खुशी तुम्हारी वजह से है। गीत, मैं खुशी देख मेरी खुशी दुगनी हो गई। इस एक पल में मुझे इतनी खुशियां मिल गई कि दिल में समाई नहीं पा रही। काश ऐसा होता कि हम इन खुशियों को पंच करके फाइल में रख सकते। आप इतने अच्छे कैसे हो? अतीत के बारे में जानकर मेरे आने वाले कल को, मेरे बीते हुए दिन का एहसास भी नहीं होने दिया आपने। ऐसा मत कहो केत, ऐसा कहकर हमारे प्यार को छोटा मत करो। शुक्रगुजार तो मैं हूं तुम्हारा तकदीर का जो तुम मुझे मिली। अब से पहले तक मैं नास्तिक था, पर आज मुझे भगवान को मानने को दिल कर रहा है, उनसे मांगने को दिल कर रहा है कि जिंदगी भर हमेशा यही खुशी दे। तुम्हारा साथ देगी हर सांस, आधी तुम्हारी हो आधी मेरी हो, बरसों सदियों की सांस की सितारी यूं ही चलती रहे। गीत हाय। एक्सक्यूज मी मिस्टर खुराना, सॉरी सर, पर बाहर बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं तो मैंने तो कह दिया। नहीं, वो अभी नर्स आई उसके पहले आप कुछ कह रहे थे और बात आधी रह गई। नहीं गीता, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे नहीं, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी, मुझे घर नहीं जाना। पर गीत, मैंने कहा ना ऑफिस, अब चलिए। पांडे जी तनिक संभलिए, क्या कर रहे हो आप? अरे हम तो संभले हुए श्रीमान, आप ही सचेत रहिए ना। गॉड, अरे हाँ पिंकी,
मैंने वो ड्राफ्टमैन की लिस्ट दी थी तुम्हें, तुमने बुलाया किसी को इंटरव्यू के लिए आज? हाँ सर, वो मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड है मैडी, वो बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है, अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लूँ। मैडम सर सर मनीषा जी, हमें ड्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट है, नक्शा नवीस की, किसी ड्रॉइंग आर्टिस्ट की नहीं। पिंकी आप बुला लेंगे प्लीज इंटरव्यू के लिए? डिस्गस्टिंग। समय लड़कियों को तो ना ताड़े ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो? आदि सर, पिंकी, रोमियो, मुझे आप लोगों से बात करनी है। मैं चाहती हूँ आज हम सब एक पार्टी करें। Very wow, amazing. But what's the occasion? I mean, क्यों? Actually क्या है ना, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इसके लिए। बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ सब सेलिब्रेट करें। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। Exactly. पर फिर भी अगर ओकेजन की बात है तो आज क्रिसमस है, so let's celebrate Christmas. बहुत अच्छा प्लान है। मगर हाँ, मान किसी मीटिंग के लिए गए, वो आए उसके पहले हमें सारी तैयारी करनी होगी, ठीक है? तो साथियों शुरू करें। गाइस गाइस गाइस, डेकोरेशन हो गया है, हंसी खेल हो गया, थोड़ा काम कर लें। अरे भाई कम से कम आज की फाइलें तो कंप्लीट करो, मानसर आते ही होंगे और आके उन्होंने फाइलें मांगी तो सबकी बैंड बज जाएगी। उचित फरमाया महोदय आपने। पांडे जी क्या आदि सर, आप भी पहले तो पूरा पार्टी मूड में डाल देते हो फिर बोलते हो काम करो। रियली वही तो। क्या बात है, आप मेरी इस बात से सहमत है? थैंक यू शांता। चले गाइस, पांडे जी रोमियो चलिए। मेरी सेंटा ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा दिया, तो मैंने सोचा सेंटा को थैंक यू कहना तो बनता है। और सेंटा को तुम्हारा थैंक यू, अच्छा लगा। अब तो आप मानते हैं ना कि आपकी तरह मैं भी सरप्राइज दे सकती हूँ? मुझे तो पहले भी शक नहीं था कीत, मैं तो मानता हूँ कीत कि जो काम मैं कर सकता हूँ वही काम तुम उससे बेहतर कर सकती हो। पर एक बात है, ये सब सुनने के बाद तुम सातवें आसमान पे तो नहीं उड़ रही हो? मेरी खुशी तब पूरी होगी जब सेंटा मेरा दूसरा गिफ्ट भी दे देगा। दूसरा गिफ्ट? हाँ, वो आप कुछ कहने वाले थे ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? नहीं कि मैंने तो सब कुछ कह दिया था। नहीं याद कीजिए ना, आप कुछ कह रहे थे और नर्स आ गई थी और आपकी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात की था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए आप बहाने मत बनाइए, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आप बताइए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर देख लेना। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले अपनी बात पूरी कीजिए। कौन सी बात की, मैं तो सब कुछ बोल चुका हूं। कर देना पिंकी,
तो देखो। अरे पिंकी, मानसरोवर गीत ना मिस्टेक के नीचे खड़े। जो मिसलटो के नीचे खड़ा होता है उसे किस करना पड़ता है। हाउ रोमांटिक ना। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। यस। कम ऑन सर। नीत, तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी, पर सेंटर ने मेरी बात सुन ली। मुझे तो क्रिसमस गिफ्ट मिलने ही वाला है। चलो एक काम करो, तुम मुझे मेरा गिफ्ट दे दो और उसके बाद मैं तुम्हारा गिफ्ट दे दूँ। चलो चलो, get back to work. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मिस्टर खुराना? जब तुम ऑलरेडी अंदर आ ही गई हो, आओ बैठो। मैं तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ आके बैठती हूँ, और थोड़ी भूख भी लगी थी तो खाना भी लेकर आई हूँ। अब क्या है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना टाइम पे खाना पड़ता है। वैसे अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। चीज सैंडविच है, मैंने सुना है बहुत अच्छी है। चीज सैंडविच मेरा फेवरेट। तुम्हें क्या लगता है गीत, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं भला मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? मेरी नकल। अगर तुम्हें मुझे इंप्रेस ही करना है तो कुछ नया करोगे। ये क्या है, क्रिसमस डे के दिन क्रिसमस पार्टी, मेरे लिए सैंडविच लेके आई, मजा नहीं आया। गीत कुछ नया करो, समथिंग न्यू। आपकी बड़ी बड़ी आंखें खोल के अगर ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा ये कुछ समथिंग न्यू ही है। सैंडविच की प्रेजेंटेशन नए तरीके से, और इसका नाम भी रखा है ईलू। नाइस नेम गीत, मुझे पसंद आया। इसी बात पे एक बाइट तो बनती है ना। गीत तुम भी गाओ। गाओ सुनने के लिए, और अब जब मैंने कह दिए तो मुझे ही तेवर दिखा रहे। मेरा भी तो मन करता है ना कि मन से वो बातें सुनूं, मगर नहीं, भाव खाना तो उनकी पुरानी आदत है। ऐसे भोले बन के बैठे जैसे उनको समझ में ही ना आ रहा हो कोई छोटी सी बच्ची हो। बस बहुत हो गया कि अब तू इनके नखरे नहीं सहेगी। इनकी नौटंकी कहीं और चलती होगी, मगर तेरे सामने नहीं चलेगी।
मेरा नाम गीत है, मिस्टर मानसिंह खुराना, और मैं वो तीन लफ्ज आपसे कहलवा करूंगी, याद रखना। हाँ पर कहलवाऊंगे कैसे, मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। पापा जी अब मैं क्या करूंगी, कैसे कहलवाऊं, पापा जी मदद नहीं करेंगे, पता नहीं। बैठ जाती हूँ। अन्वेषा सबके इंटरव्यूज तो हो गए हैं, रुको जरा। शादी मेरे भाई की है, मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे? ओह आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इतने सारे लोग थे ना कि दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं अब कर लेते हैं। तुम इतनी इंपॉर्टेंट बातें ऐसे भूलोगे तो वेडिंग कैसे प्लान करोगे मिस्टर वेडिंग प्लानर? अब कर लेते हैं। मेरे बाल ठीक है? हाँ सब परफेक्ट है। और लाइट? देखो सब कुछ ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी करोगी, कैमरा रोल हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचकर और बहुत सारे काम है। तुम कितने मीन आदमी हो, तुम्हें उस चिपको ताशा के बालों में तो बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही थी, और मेरे बिखरे हुए बालों से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइट भी ठीक है, सब ओके है, मुझे जैसे लोगों से तो बात ही करनी बेकार है। खूबसूरत चेहरे को रोशनी की जरूरत नहीं है, रोशनी तो खुद तुम्हारे चेहरे से कतराती है, और जब तुम्हारे ये बाल तुम्हारे चेहरे पे गिरते हैं ना तो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। एक बार जो तुम्हें ऐसे देख लेगा ना वो दीवाना हो जाएगा। All right. Now look, मुझे कोई भी ग्लिचेस नहीं चाहिए, और सारा सारा काम इस ब्लू प्रिंट के हिसाब से होना चाहिए, राइट? जितना भी सामान सारी प्लानिंग हो गई, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, लेकिन कल सुबह ठीक 8 बजे पहुंच जाइएगा। ओके यू कैन लीव नाउ। तुमने अपने सारे स्टाफ को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? इन छोटी छोटी बातों में अपना मूड खराब कर रही, जाओ कुछ स्पेशल करो, आज क्रिसमस है। स्पेशल मतलब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम अपना टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहते हो? वेल ऐसा तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारने से तुम्हारी शाम स्पेशल होती है, आई डोंट माइंड। तो बोलो कहां चलना चाहोगी मेरे साथ?